नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इंडोनेशिया में पीएम मोदी और जिनपिंग की हुई मुलाकात। शिक्षक भर्ती परीक्षा में ममता और शाह का नाम। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस में एक और नया खुलासा। सीएम केजरीवाल की फ्री सुविधाएं देने का जादू केवल मेरे पास। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ हुए कोरोना पॉजिटिव। नाटो देश पोलैंड में गिरी रूसी मिसाइलें। मोहन भागवत बोले, हम सबके पूर्वज समान हैं। गुजरात में पकड़ी गई करोड़ों की ड्रग्स। आईपीएल 2023 की रिटेंशन लिस्ट हुई जारी। धोनी की टीम में इंडिया में वापसी संभव। और अब खबरें विस्तार से। इंडोनेशिया के बाली में मंगलवार को G20 समिट शुरू हुई। आज दोनों नेता G20 समिट से इतर भी मीटिंग कर सकते हैं। आपको बता दें कि G20 समूह में दुनिया के डेवलपिंग इकोनॉमी वाले 19 देश और यूरोपियन यूनियन EU शामिल हैं। ये 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका है। पश्चिम बंगाल में 2014 के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नतीजों की पूरी लिस्ट मंगलवार को जारी हुई। इस लिस्ट में सीएम ममता बनर्जी, गृहमंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी का भी नाम है, जबकि तीनों ने ना तो परीक्षा दी ना ही परीक्षा देने के लिए वे एलिजिबल हैं। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की ओर से जारी लिस्ट में ममता बनर्जी को 92 जबकि गृहमंत्री अमित शाह को 93 अंक मिले हैं। TET मेरिट लिस्ट को लेकर आरोप लगते रहे हैं कि कई अयोग्य लोगों को नौकरी दे दी गई थी। अब इस लिस्ट के जारी होने के बाद बंगाल सरकार पर आरोप तेज हो गए हैं। दिल्ली के श्रद्धा वाकर मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफताब ने जिस कमरे में श्रद्धा के डेड बॉडी के टुकड़े फ्रिज में रखे थे वही लगातार 18 दिन सोता रहा। इतना ही नहीं, वह रोज फ्रिज खोलकर श्रद्धा के कटे हुए सिर को देखता था। इधर आफताब को लेकर एक डॉक्टर अनिल कुमार का बयान सामने आया है। डॉक्टर का दावा है कि आफताब मई में सुबह के समय उनके क्लिनिक आया था। उसका हाथ कटा हुआ था और खून भी निकल रहा था। वह बहुत आक्रामक था और बेचैन लग रहा था। मैंने उसके हाथ में स्टिच भी किए थे। जब मैंने चोट के बारे में पूछा तो उसने कहा कि फल काटते समय उसका हाथ कट गया। गुजरात में विधानसभा चुनाव लड़ने उतरी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राज्य में सरकार बनाने का दावा किया है। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा है कि चुनाव में कांग्रेस 5 से कम सीटों पर सिमट जाएगी। केजरीवाल ने गुजरात मॉडल को भी झूठ बताया। उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता यह देख रही है कि किस तरह से दिल्ली में मुफ्त बिजली के साथ अच्छे स्कूल और अस्पतालों का इंतजाम किया गया है। पंजाब में भी आपने यह काम करके दिखाया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पाक पीएम के संक्रमित होने की पुष्टि सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने की। उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वे 2 दिन से अस्वस्थ थे। डॉक्टर की सलाह पर आज कोरोना टेस्ट कराया गया। यूक्रेन के खेरसॉन क्षेत्र से खदेड़े जाने के बाद व्लादिमीर पुतिन की फौज बौखला गई है। मंगलवार रात उसने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 4 शहरों पर मिसाइल हमले किए। यूक्रेन में रूसी मिसाइल हमलों के बीच कुछ रूसी मिसाइलें नाटो सदस्य देश पोलैंड में घुस गई। इससे यूक्रेन की सीमा के पास पोलिस गाँव के 2 लोगों की इस कीव चपेट में आने से मौत हो गई। राष्ट्रीय स्वयं संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हम सबके पूर्वज समान हैं। आज का विज्ञान DNA मैचिंग के बाद कहता है कि 40,000 साल पहले से जो अखंड भारत था, काबुल के पश्चिम से छिंदविन नदी के पूर्व तक और चीन की तरफ की ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक जो मानव समाज आज है, उन सबका DNA समान है। गुजरात क्राइम ब्रांच ने सूरत के पांडेसेरा इलाके से 1.797 किलो MD ड्रग्स बरामद की है। इसकी कीमत 1.80 करोड़ रुपए है। क्राइम ब्रांच टीम ने बताया कि खुफिया जानकारी मिलने के बाद इलाके में छापेमारी की गई थी। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और आगे की जांच जारी है। और अब बात करते हैं खेल की। IPL 2023 के लिए खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट जारी हो चुकी है। मुंबई इंडियंस के किरण पोलार्ड ने संन्यास ले लिया। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने कप्तान केन विलियमसन और पंजाब किंग्स ने मयंक अग्रवाल को अपनी अपनी टीम से रिलीज कर दिया। अब ये दोनों खिलाड़ी नीलामी में जाएंगे जहाँ उन्हें कोई भी फ्रेंचाइजी खरीद सकती है। BCCI बिना वर्ल्ड कप
खिताब के तेज लौटी टी20 टीम को बदलने की योजना बना रहा है। बोर्ड की योजना में 2007 का खिताब जीतने वाले महेंद्र सिंह धोनी का भी रोल है। बोर्ड टी20 टीम को आक्रामक बनाने के लिए धोनी को फिर टीम से जोड़ सकता है। आपको बता दें कि बोर्ड टी20 वर्ल्ड कप 2022 में भी धोनी को मेंटोर्स के तौर पर टीम के साथ भेजा जा चुका है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडियन प्राइम न्यूज़। नमस्कार।